अस्सलामुअलैकुम आईना न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पंजाब असेंबली के मनहरफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अनहराफ छोटी बात नहीं, जमीर का मामला है, अदालत पहले ही उसे कैंसर करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के पंजाब असेंबली के मनहरफ अराकीन के इलेक्शन कमीशन के नाहिदी के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाप्त हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाप्त की। सेवन शरीफ में पुलिस की मंशियात फरोज मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात के स्मगलर मुलजिमान गिरफ्तार, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेवन शरीफ पुलिस की जानिब से मंशियात के स्मगलर मुलजिमान के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। मंशियात स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 2 मुलजिमान मंशियात से भरी हुई कार समेत गिरफ्तार हो गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO 7 नेक मोहम्मद खोसो की सरबराही में मख्फी इतला पर मनसूबाबंदी के बाद कार्रवाई करते हुए छापा मार के मंशियात की बहुत बड़ी खेप की मुंतकली का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 2 मंशियात के स्मगलर मुलजिमान माजिद अली वल इरशाद अली लगारी सकना बेनजीर कॉलोनी लाड़काना, राशिद अली वल मोहम्मद अकबर मंगी सकना गुलशन हबीब सरियाब रोड कोयटा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से क्रोला कार में 20 बैग में 1000 पैकेट मुसरे सेहत मंशियात सफीना गुट के बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा जेल है। तरबेला काजी तारिक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, तहसील भर में मवेशियों की जल्दी बीमारी लंपी स्किन तेजी से फैलने लगी। हिफाजती इंतजाम की अदम दस्तियाबी से दर्जनों गायें हलाक हो गईं। चेक एंड बैलेंस न होने से जगह जगह मवेशी मंडियां खुल गईं। बीमारी जोर पकड़ने लगी। तहसील गाजे की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों कोटेरा, खैरबाड़ा, कंडी, सिरीकोट और बैटकरी में दर्जनों गायें जल्दी बीमारी लंपी स्किन का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन मुकामी इंतजामिया और महकमा लाइफ स्टॉक एंड वेटनरी की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कोई हिफाजत इंतजाम नहीं किए जा रहे, ना ही इस हवाले से शऊर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। फारूक अहमद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मेहराबपुर आरओ ऑफिस के सामने धरना देना आज़ाद पैनल शहरी इत्तेहाद को महंगा पड़ गया। मेहराबपुर थाने पर सरकारी मुदय्यत में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 20 नामालूम अफराद समेत 28 अफराद को नामजद किया गया है। नामजद अफराद में मलिक इस्माइल, असलम रोडी, आदिल जमान भट्टी, नासिर अराई, जावेद कम्बो और दीगर शामिल हैं। कवरेज करने वाले सहाफी काशिफ कम्बो का भी नाम मुकदमे में शामिल कर लिया गया। हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। डेरा इस्माइल खान हसनैन कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल नंबर 4 नेबरहुड चमन चौक के यूथ कौंसलर और तहसील मेंबर हसनैन कुरैशी और साबिक लेबर कौंसलर अहमद अली राजपूत ने डेरा इस्माइल खान में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की शहादत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि डेरा इस्माइल खान सब्जी मंडी के करीब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार शौकत और हबीब की शहादत अफसरदा वाकिया है। डेरा इस्माइल खान पुलिस की कयाम अमन के लिए शहादतों की एक तवील दास्तान रकम है। ताहम इस हवाले से सूबाई हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के शहीद अहलकार शौकत शहीद और हबीब शहीद के अहले खाना, उनके साथियों और डेरा अवाम दोस्त पुलिस के तमाम अहलकारों के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद ताला शहदा के अहले खाना को सब्र व जमील अता फरमाए।
बदीन डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाह नवाज खान ने कहा है कि उलमाए कराम अवाम में सियासी और मजहबी रंजिश कम करने और मोहब्बत भाईचारा बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें, जबकि मुतालिक अफसरान ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के ठोस इकदाम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज ईद उल अजहा के दिनों में सफाई सुथराई के इंतजाम और इलेक्शन के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी नायब सदर फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में कहा गया है कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वजीर आला का फार्मूला सियासी फवाद के लिए है, ये फैसला अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है, जहां इस वक्त गर्मी और गर्मी का मौसम उरूज पर है। पसीना है कि खुश्क होने का नाम नहीं लेता, ऐसे में खिलाड़ी भरपूर ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। गर्मी के मौसम में खिलाड़ियों को कई तरह की शिकायत हो रही है और टीम मैनेजमेंट ने इसका हल आइस बाथ का निकाला है, ताकि खिलाड़ियों की बॉडी जल्द अज जल्द रिकवर कर सके। हेडलाइंस आपने मुलाइजा की, न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज, हमारे साथ रहिएगा।